नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कभी रीमेक का तड़का हिट होता है तो कभी फ्लॉप। आजकल साउथ की रीमेक का क्रेज है। साउथ सिनेमा की रीमेक फिल्म में सलमान का डूबता करियर बचा लिया था। फिल्म थी वांटेड, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्में हैं जो फ्लॉप रही। फिलहाल अब भी रोहित शेट्टी साउथ की सुपरहिट फिल्म टेम्पर का रीमेक बना रहे हैं जिसका नाम है सिम्बा। इससे पहले रोहित शेट्टी सिंगम जैसी फिल्मों में साउथ का एक्शन और ड्रामा रिक्रिएट कर चुके हैं। तो वहीं रोहित शेट्टी के साथ साउथ इंडियन स्टाइल में एक्शन करते नजर आए थे अजय देवगन और अब दिखेंगे रणवीर सिंह। लेकिन सिर्फ अजय देवगन और रणवीर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई स्टार्स इस ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं। अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार्स साउथ सिनेमा की तरफ रुख कर चुके थे और उन्होंने रीमेक में काम किया। चलिए आपको बताते हैं साउथ की रीमेक उन बॉलीवुड फिल्मों के बारे में जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। पुलिसगिरी, संजय दत्त की ये फिल्म फ्लॉप थी। ये फिल्म तमिल के हिट सम्मया का रीमेक थी। खट्टा मीठा, अक्षय कुमार की ये फिल्म सुपर फ्लॉप रीमेक है। ये मलयाली फिल्म वेल्लाना कलूडे नाडू का रीमेक थी। रन, अभिषेक बच्चन की ये फ्लॉप फिल्म तमिल की सुपरहिट फिल्म की रीमेक थी। तमिल फिल्म का नाम भी रन ही था। क्योंकि सलमान खान की ये फिल्म मलयाली फिल्म थालावत्तम की रीमेक थी। ये फिल्म सुपर फ्लॉप थी। तेवर, अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की ये फिल्म तेलुगु हिट ओकद्दू का रीमेक थी। तेवर ने कुछ खास कमाई नहीं की। एक था दीवाना, प्रतीक बब्बर और एमी जैक्सन की ये फिल्म तमिल हिट विन्नई थांडी वमवायव की रीमेक थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। खुशी, करीना कपूर की ये फिल्म तमिल की हिट फिल्म की रीमेक थी। फिल्म का नाम भी खुशी ही था। क्रोध, सुनील शेट्टी की ये भी फ्लॉप फिल्म रही। ये फिल्म मलयाली फिल्म हितूर की रीमेक थी। मिस्टर बेचारा, अनिल कपूर और श्रीदेवी की ये फिल्म तमिल फिल्म वेत्ता विशेषव्या की रीमेक थी। यंगिस्तान, जकी भगनानी की ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही जबकि इसकी ओरिजिनल तेलुगु फिल्म लीडर सुपरहिट रही। तो ये थी वो रीमेक जो सुपर फ्लॉप रही। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।